फ्रेंड्स, माय नेम इज हेमंत जैन। आज मैं 5 ऐसे स्टॉक्स बताने वाला हूँ जो कि मीन्स काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल रहे हैं और ये 100 रुपीज़ के अंदर है और आगे जाके मीन्स अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, लेकिन आपको ये लेने पड़ेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। और अभी थोड़ा प्रेशर्स में दिख रहे थे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं, काफ़ी मीन्स अच्छे रेट पर मिल रहे हैं, तो इन्हीं के बारे में मैं बात करूँगा। तो अगर आपने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला जो स्टॉक है वो है सिंटेक्स प्लास्टिक टेक्नोलॉजी। ये सिंटेक्स इंडस्ट्रीज से मीन्स डीमर्जर करके आई थी और इसमें जो हाई है 136 और 55 का लो है, तो अभी ये लो पर ही चल रहा है। तो मेरे हिसाब से लो पर लेकर आप अच्छे वैल्यूएशंस पे अभी मिल रहा है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर लेते हो, भले शॉर्ट टर्म में और प्रेशर थोड़ा आ सकता है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखें। लॉन्ग टर्म में इजीली ये प्रॉफिट देगा ही देगा। तो पहला ये मेरा स्टॉक है। दूसरा जो स्टॉक है वो गवर्नमेंट की मिनी रत्न कंपनी है, हुडको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका भी जो हाई है 102 का है और लो 64.55 का है, मीन्स ये भी लो पर ही चल रहा है और ये भी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर आपको लेना है तो लॉन्ग टर्म के लिए लीजिए। ये भी मीन्स 250 रुपये तक जा सकता है और ये मल्टी बैगर एक स्टॉक बन सकता है, तो ये भी एक बेहतर स्टॉक है, आप देख सकते हैं इसे भी। और तीसरा जो स्टॉक है वो है IDFC बैंक। ये अभी चल रहा है 47.35 पे और हाई है इसका 70 का, और इनका जो कैपिटल फर्स्ट के साथ ये मर्जर होने वाला है तो उससे भी मुझे काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है, तो ये भी अच्छे लो पर चल रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसे भी लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं तो रिटर्न्स काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। और बैंकिंग में ये एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और हाल ही में मीन्स ये ज़्यादा साल भी नहीं हुए हैं इस बैंक को, तो मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म के नज़रिए से लेते हैं तो काफ़ी अच्छा मीन्स रिटर्न ये बैंक भी दे सकता है। तो चौथा मेरा स्टॉक है वो आप देख सकते हैं, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड। ये भी रिलायंस कैपिटल से डीमर्ज करके आया है और अभी ये फ़िलहाल लो पर ही चल रहा है। 56 का इसने लो मारा था और हाई 115 का है, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लेते हैं तो ये भी बढ़िया एक स्टॉक है। इनके जो प्रॉफिट्स है वो भी काफ़ी अच्छे सुधर रहे हैं, मीन्स काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टॉक है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेते हो तो ये भी आपको अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। तो एक लास्ट मेरा जो पांचवा स्टॉक है वो है RCF। ये भी एक गवर्नमेंट की मिनी रत्न कंपनी है, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। अभी ये चल रहा है 73 पर और 67 इसका लो है और हाई 111 का है। ये कंपनी कभी आपको अच्छा पैसा दे सकती हैं, रातों रात भी दे सकती हैं, लेकिन न्यूज़ आने पर इनकी जो मुंबई में चेंबूर में प्रॉपर्टी है वो काफ़ी 60,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अगर उन्होंने खाली कह भी दिया भाई ये हम बेचने वाले हैं तो आप ही सोच सकते हैं ये जो स्टॉक है रॉकेट की तरह बढ़ सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लेते हैं तो ये काफ़ी अच्छा बेहतर स्टॉक है और डिविडेंड भी देता है। तो ये है मेरे 5 स्टॉक्स। अगर आपको लेना है तो आप अपने एडवाइज़र से या ब्रोकर से सलाह लेकर ले सकते हैं। तो मेरे नज़रिए से ये जो 5 स्टॉक्स है ये मैंने पहले भी अलग अलग वीडियोस से बताए हैं और बेहतर स्टॉक लग रहे हैं और वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म का नज़रिया अगर आप रखते हैं तो ये आपको रिटर्न्स अच्छा दे सकते हैं। तो आज मुझे इन्हीं के बारे में बताना था, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए, थैंक यू।